मेरे साथ इस वक्त दीपक द्विवेदी जी हैं, चेयर एंड चीफ एडिटर दैनिक भास्कर ग्रुप के। सर, जैसे कि आपने कहा कि आज हम लोग यहाँ दिल्ली में तो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में इसकी बात ही नहीं होती है। ज़मीनी स्तर पर वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को लेकर बिल्कुल भी एक तरह की अवेयरनेस नहीं है। देखिए, ये UN प्रोग्राम्स, सरकार के प्रोग्राम और जो डिफरेंट सिविल सोसाइटीज इसके बारे में काम कर रही है, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि दिल्ली में बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर इसको सही मामले में कहा जाए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसको देश के साथ ये सम्मानजनक व्यवहार नहीं है। अगर किसी को असली में महिलाओं और लड़कियों की तरक्की के बारे में सोचना है, तो हिंदुस्तान के गांवों के अंदर ही ये कार्यक्रम, जैसे आज ये शेरेटन होटल में हुआ है, इनको हौसला तो बढ़ा के इस तरीके के प्रोग्राम इनको गांवों में, तहसील में, ब्लॉक में और जिले स्तर पर करना चाहिए। सर, अगर इस तरह के प्रोग्राम छोटे छोटे कस्बे या गांवों में किए जाएं, तो क्या आपको लगता है जो गांवों में महिला उत्पीड़न होता है, ये सब खत्म होगा? महिलाओं को एक पुरुष के बराबर सम्मान मिलेगा? देखिए, अगर जिले स्तर पर ये प्रोग्राम होते हैं, तहसील स्तर पर होते हैं, तो एक जागरूकता होती है, उत्साह बढ़ता है और एक संदेश जाता है, मैसेज जाता है। उससे उनकी मजबूती स्वाभाविक है, उनकी सोच बढ़ेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा और उनका पार्टनरशिप बढ़ेगा। तो इस तरीके के प्रोग्रामों को जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर करने का एक मैंडेट UN ऑर्गेनाइजेशंस को लेना चाहिए, दूसरी सिविल सोसाइटीज़ को लेना चाहिए। अगर हम जिले और तहसील और ब्लॉक स्तर पर नहीं जाएंगे, तो ये देश के साथ न्याय नहीं होगा। और ये अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आती रहेंगी, इंडिकेटर्स पर बेस्ड हम इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाते रहेंगे और एक दूसरे को धोखा देते रहेंगे। हकीकत ये है कि गांव में अगर आप नहीं जाएंगे, तो हाल नहीं जानेंगे और उसकी तरक्की के बारे में आप अपनी पॉलिसी को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे।